हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, आज बात कर रहे हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। और ये जो नई वैकेंसी आई है, ये आई है सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR के तरफ से, श्रीहरि कोटा के तरफ से। यहां पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 90 पोस्ट यहाँ पर खाली है। अगर आपने ITI कर रखा है तो आपके लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी आपको दी जा रही है और साथ में ही श्रीहरि कोटा के तरफ से आपको बहुत सारी बेनिफिट भी दी जाएगी, जैसे कि हॉस्पिटल सुविधा, बच्चों के लिए सुविधा और बहुत सारी सुविधा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड, और वीडियो को जानकर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना फ्रेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं क्या है इसमें वैकेंसी डिटेल। और सबसे पहले बता दूं मैं फ्रेंड आपको, यहाँ पे जो आपको मिलेगा, आपको जो सैलरी दी जाएगी वो Level 3 के अनुसार 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रहेगी। बात करें टेक्नीशियन पोस्ट, और आगे मैं आपको बताऊँगा ड्राफ्ट मैन के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्नीशियन बी के लिए। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 70+ है कुछ। और बात कर ले कारपेंटर ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे टोटल एक पोस्ट है जो कि सिर्फ OBC में खाली है। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आपको 10th पास और साथ में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या NAC सर्टिफिकेट या फिर NTC सर्टिफिकेट जो कि NCBT प्रूफ्ड होना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले ट्रेड। अगला ट्रेड है यहाँ पे रसायन केमिकल का, टोटल 10 पोस्ट खाली, जिसमें 2 UR के लिए है, 3 OBC, 3 SC, 1 EWS और 1 SC के लिए, ST के लिए खाली है। इसमें भी उसी तरह है, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि NCBT प्रूफ्ड होना चाहिए। इसी तरह बात कर लेते हैं और तीसरे ट्रेड के बारे में। तीसरे ट्रेड है यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए, टोटल 10 पोस्ट खाली, जिसमें कि 5 UR के लिए है, 1 OBC, 1 SC के लिए, 3 EWS के लिए 1 सीट खाली है। उसी तरह से चौथा ट्रेड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, तो 14 सीट यहाँ पे टोटल खाली, जिसमें कि 3 UR है, 7 OBC के लिए है, 2 सीट यहाँ पे SC ST के लिए है। तो ITI सर्टिफिकेट सभी में होना चाहिए, हर एक ट्रेड का अलग से सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ITI का। उसी तरह के फीटर की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे फीटर में खाली है, 34 सीट खाली है, और फीटर ट्रेड से आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात कर ले यहाँ पे छठा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, तो 2 सीट यहाँ पे खाली है फ्रेंड, जो कि OBC और ST में बटी हुई है। बात कर ले यहाँ पे सातवां ट्रेड, तो सातवां ट्रेड है पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए, तो टोटल 6 सीट यहाँ पे खाली है फ्रेंड। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना फ्रेंड। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आठवां ट्रेड। तो आठवां ट्रेड है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग का, तो टोटल 5 सीट है, जिसमें कि 4 जनरल के लिए है और 1 SC के लिए यहाँ पे सीट खाली है। इसमें भी आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCBT प्रूव्ड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नवा ट्रेड जो कि है केमिकल के लिए, जो कि पोस्टिंग है आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर। तो एक सीट है यहाँ पे EWS के लिए। बात कर लें यहाँ पे फीटर के लिए, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में 2 सीट है, 1 OBC, 1 UR के लिए। तो सर्टिफिकेट ITI होना चाहिए, NCBT प्रूव्ड इसी ट्रेड में। उसी तरह से बात कर ले बॉयलर परिचारक के लिए, तो यानी बॉयलर अटेंडेंट इंग्लिश में कह सकते हैं, तो 2 सीट है टोटल, जबकि 1 UR के लिए है, 1 SC के लिए खाली है। बात कर लें यहाँ पे बारहवां ट्रेड है, तो बारहवां ट्रेड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, जो कि आपको यहाँ पे श्रीहरि कोटा में ही पोस्टिंग है। इसमें भी आपके पास ITI सर्टिफिकेट NCBT प्रूव्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड ड्राफ्ट मैन के लिए, यानी ड्राफ्ट मैन के लिए यहाँ पे वैकेंसी खाली है, और यहाँ पे लेवल जो वो सेम रखा गया है। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे खाली है, तो 2 सीट है, जिसमें कि सिर्फ OBC के लिए 2 खाली है। और इसी ट्रेड में आपके पास NAC इन ड्राफ्ट्समैन होना चाहिए, या फिर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन में, जो कि NCVT की मान्यता प्राप्त हो। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ फ्रेंड यहाँ पे 14th नंबर, यानी कि यहाँ पे चौथे नंबर वेतन एवं भत्ते के बारे में। तो यहाँ पे भत्ते की अगर बात कर ले तो टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन दोनों के लिए सेम है, जो कि यहाँ पे अगर 21,700 रुपये से लेके 69,100 है, जबकि प्रति महीना यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका सैलरी 25,389 होगा, और उसमें एज जो है वो 18 से 35 वर्ष है। तो 18 से 35 वर्ष के बीच में अगर आप आते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरिएगा फ्रेंड। मैं आपको बेनिफिट के बारे में बता रहा था फ्रेंड, तो बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ कि जो इसरो होता है वो अपने कर्मचारियों को बहुत सारी बेनिफिट देता है, जैसे कि पेंशन योजना, स्वयं के लिए चिकित्सा सुविधा योजना, सहायक प्रति कैंटीन मिल जाएगा, मुफ्त परिवहन आपको मिल जाएगा, आवास सुविधा मिल जाएगा, अवकाश का भी आपको मिल जाएगा, सामूहिक बीमा मिल जाएगा, और बच्चों के लिए केंद्रीय स्कूल भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी बेनिफिट है, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा फ्रेंड, क्योंकि अदर ITI के वैकेंसीज के मुकाबले ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड।
तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको जो फ़ीस देनी होगी वो कितनी देनी होगी। तो यहाँ पे आपको कम से कम 100 रुपीस फ़ीस जो वो आपको देना होगा, भुगतान करना होगा, वो आप डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन आपको करना होगा। और ये जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 29/11/2019 है, और जो आप भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वो 30/11 शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लीजिए, ज़्यादा देर बिल्कुल भी मत करिएगा। अब डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे उसमें फ़ोटो हस्ताक्षर JPG फॉर्मेट में, फिर SSC सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में, फिर उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, उसके बाद फिर जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, उसके साथ ही आपको जो अपलोड करना है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से PWBD कैंडिडेट के लिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्सर्विसमैन के लिए अपलोड करना है। तो ये सारे आपको अपलोड जो करना है वो करना है। EWS में जो आते हैं उनको भी EWS सर्टिफिकेट जो अपलोड करना होगा फ्रेंड। अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया की एक लाइन में आपको बता दूं कि रिटर्न टेस्ट के बाद ही आपका चयन प्रक्रिया जो होगा वो फाइनल किया जाए, यानी रिटर्न टेस्ट आपको देना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का तरीका बेहद ही आसान है फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ब्लू हाईलाइटेड में, यहाँ पे आपको जाना है www.shar.government.in पर। इसी तरह से अगर ऐप्स shar.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, दोनों में से कहीं भी आप जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने वक्त अपना ईमेल आईडी जरूर एक्टिव रखिएगा फ्रेंड, और मोबाइल नंबर भी जरूर एक्टिव रखिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपको कॉल लेटर आएगा एग्जाम के लिए। और यहाँ जो आप एड्रेस देख रहे हैं तो मैं इसका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एड्रेस दिया गया ये सिर्फ NOC सर्टिफिकेट भेजने के लिए दिया गया, जो कि 10 दिन के अंदर आपको भेज देना है फॉर्म भरने के बाद फ्रेंड। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना फ्रेंड, अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखा दे, अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं, ITI कर लिए हैं, तो उनके साथ ये शेयर वीडियो जरूर कर देना फ्रेंड। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से ITI अप्रेंटिस की वीडियो बताता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नए वैकेंसी के साथ।